अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नुमान है और आप देख रहे हैं चैनल नुमान गुजर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं ऐसे वॉलपेपर यहाँ पे बताऊंगा कि आप लोग जब इसको अपने मोबाइल पे सेट कर लोगे, उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने अपने मोबाइल को हल्का सा शेक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका वॉलपेपर जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग दोबारा से इसको शेक करेंगे तो आपका वॉलपेपर जो है वो फिर से चेंज हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप लोग लाइव वॉलपेपर अपने मोबाइल पर लगा सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं दोबारा से शेक करके दिखाता हूँ। ये मैंने दोबारा से शेक किया, उसके बाद ये फिर से चेंज हो गया। तो आप लोगों ने ये कैसे अपने मोबाइल में लगाना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने लास्ट तक देखना था कि आपको डिटेल के साथ मैं बता सकूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे 3D वॉलपेपर देखे होंगे जो कि दोस्तों लाइव वॉलपेपर होते हैं, जिनको अगर आप अपने मोबाइल पर सेट करते हो, उसके बाद अपने मोबाइल को अगर आप लोग हिलाते हो, मूव करते हो, तो वॉलपेपर भी जो है वो हिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक अलग ही तरीके का वॉलपेपर दिखा रहा हूँ। इसको शेक करने से दोस्तों आपका वॉलपेपर ही चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के अगर वॉलपेपर आप लोगों ने पहले भी लगाए हुए हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों ने नहीं लगाए तो ये आपको मैं बता रहा हूँ। अब आप लोगों ने दोस्तों कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और कैसे इसको आप लोगों ने अपने मोबाइल में सेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं इस एप्लीकेशन का आइकॉन दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग इस एप्लीकेशन का आइकॉन देख लें। इस एप्लीकेशन का नाम है फ्लोट। आप लोग दोस्तों इसको डाउनलोड करेंगे, लिंक आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर। अगर आप दोस्तों हमारी वेबसाइट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग दोस्तों गूगल क्रोम पे जाएंगे, पीसी पे या फिर अपने मोबाइल पर ही आप लोग जाएंगे तो आप लोगों ने नुमान एपीके लिख कर आप लोगों ने सर्च करना है। उसके बाद आपको हमारी फर्स्ट पेज पर वेबसाइट नजर आएगी। इसको दोस्तों अगर आप लोग ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट में आपको हमारी वीडियोस और हमारे दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऐप्स अपलोड होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये वाली ऐप भी दोस्तों यहीं पे मौजूद होगी। तो चलिए दोस्तों अब इसको करते हैं ओपन। आप लोगों ने भी कर लेना है इसको अपने मोबाइल में ओपन। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे उसके बाद दोस्तों अपने मोबाइल को आप लोग हल्का सा शेक करेंगे, उसके बाद दोस्तों इस तरह से वॉलपेपर चेंज हो गया। दोबारा से शेक करेंगे। इस वीडियो में जो बैकग्राउंड का साउंड आ रहा है वो इसका आ रहा है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। दोबारा से शेक करेंगे दोस्तों तो वॉलपेपर जो है वो चेंज होता जाएगा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, उसके बाद ये देखिए ये चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जब आप लोग इस पे क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर वॉलपेपर जो है वो सेट हो जाएगा। अब आप लोग इसको शेक करेंगे तो इस तरह से दोस्तों वॉलपेपर शेक होता जाएगा और नए नए वॉलपेपर यहाँ पे आते जाएंगे। तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।